मुस्कुराहट लेते हैं ना, थोड़ी सी हल्की सी स्माइल देते हैं तो आपकी पिक्चर खूबसूरत आती है। इसी तरह जब आप मुस्कुराते हैं तो बाखुदा इतना खूबसूरत और इतने प्यारे लगते हैं। आपकी मुस्कुराहट जो है आपके साथ जुड़े हुए लोगों पे बड़ा असर अंदाज होती है। जिस तरह के हमारा और आपका एक प्यारा रिश्ता है, आवाज का तल्लुक है हमारा और आपका, और जब आप मुस्कुराते हैं तो मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। रिक्शे वाला भाई तो अभी भी मुस्कुरा रहा है, लेकिन इसके साथ जो फ्रंट पे बैठा हुआ शख्स है ना, ये बिल्कुल अभी भी चीसा वट के बैठा हुआ है। कहना तुसी जो मर्जी कहो, मैं नहीं मुस्कुराना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना दा बू हाथ जेड़ा बूहे च भी आ जाए ते बिल्कुल चीका नहीं मार दे, ते कुछ लोग आईंदे भी होंदे ने कि माड़ी जी चुंडी कटो ते बिल्कुल गां कोठे ते चाड़ देंदे ने। सच्ची गल है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जरूर एक बार मुस्कुराइए, क्योंकि सुबह हो से लेकर अब तक आप अगर मुस्कुराए नहीं है तो मैं समझ लूं कि आपने कुछ भी नहीं किया। मुस्कुराइए, कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोग जो है वो भी मुस्कुरा देंगे। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और मैं भी खूब मुस्कुराऊंगा, क्योंकि जब तक आपको मैं ऐसे हाल में देखूंगा, यकीन माने अपनी तरफ देखे तो सही, अगर आप रिक्शे का शीशा थोड़ा सा नीचे करके देखें अपना चेहरा, पहचाने नहीं जाएंगे। आप घर में जाएंगे तो बच्चे नहीं पूछेंगे कि ये कौन आया, मतलब पहचाने से भी इनकार कर देंगे कि अब्बा आया है या नहीं आया, क्योंकि इस मूव में इस शक्ल के साथ तो यकीन मान बच्चे भी आपको पहचानेंगे नहीं। इसलिए मेरे भाई मुस्कुरा दीजिए, कुछ नहीं जाएगा, और हंसते मुस्कुराते रहा करें। और मैं अक्सर कहता हूं कि आपको बिल्कुल हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, वजह ना भी हो फिर भी मुस्कुराते रहें, और लोग जो है इस वजह से भी परेशान हो जाएं कि यार ये इस बंदे को क्या है कि जब भी देखते हैं ये मुस्कुरा रहा होता है, बड़ा खुश रहता है, यार इसकी जिंदगी में कितनी खुशियां हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों के साथ जो बात करने लगा हूं, आज आपका जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने लगा हूं, वो ये है कि हर कोई दोस्तियां बनाता है, और आजकल तो जो है आपको पता है बड़े बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है दोस्तियां बनाने का। कोई जो है वो वीगो लाइव जाता है, कोई फेसबुक पे होता है, कोई इंस्टाग्राम पे होता है, और कोई पता नहीं क्या क्या व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं, हर जगह पे दोस्तियां हो रही हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग दोस्ती जो करते हैं, दोस्तियां जो बनाते हैं, वो क्या देखकर बनाते हैं, आप किसी दोस्त का इंतखाब क्या सोच के करते हैं, जाहिर है तब इंसान किसी को दोस्त बनाता है तो वो कुछ ना कुछ तो देखता होगा कि भाई इसको मैं अपना दोस्त बना दूं, क्योंकि दोस्त वो ऐसा रिश्ता होता है जो इंसान खुद पैदा करता है। मेरे भाई, माँ बाप, बहन, रिश्तेदार जो मेरे हैं, उनमें मेरा कोई कमाल नहीं है, क्योंकि वो मुझे रिश्ते मेरे अल्लाह ने मुझे अता किए हैं, उसमें मेरा क्या कमाल है। लेकिन दोस्त जो है वो मेरा कमाल है। मैं क्या बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ, क्यों बनाता हूँ, ये मेरा कमाल है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आपने हमें बताना है कि आप दोस्त जो है वो क्या देखकर बनाते हैं, किस मिजाज का दोस्त आप अपना बनाना पसंद करते हैं, दोस्तों की सिलेक्शन आप क्या करते हैं, आपका क्राइटेरिया क्या होता है, ये बताइएगा आप हमें। हम भी अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे आपको कि हम क्या देखकर बनाते हैं दोस्त।
इंज टुरदा है ओ जिवें शेरां दा सहावे हसदा है ओ जी मैं खिड़दा बुलावे ओ मेरा ढोला खानदानी नवावे इंज हसदा है जी मैं खिड़दा बुलावे ब्यूटीफुल है चॉइस ढोले दी शैन शाह वांगू लाइफ ढोले दी ब्यूटीफुल है चॉइस ढोले दी शैन शाह वांगू लाइफ ढोले दी ऐसा यार स्टाइल द किंग है हर शे वेरी नाइस ढोले दी हो साडे दिल दा मेरा ढोला खानदानी नवावे ओ इंज टुरदा है ओ जिवें शेरां दा सहावे वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अमाम एफएम 94 और मुझे कहते हैं आप जे जहीर, आपको क्या कहते हैं? ये जानकर हमें खुशी होगी अगर आप हमें बताएंगे कि आपको क्या कहते हैं। खुशाब सरगोदा मियांवाली झीलम चकवाल मंडी बाउद्दीन बकर जंग में लोग सुन रहे हैं एफएम 94 को। पहाड़ों पे, दरिया के किनारों पे, खेतों में, खलियानों में, रक्षों में, कारों में, थानों में और जेल खानों में गूंज रही है आवाज एफएम 94 के लाइव स्टूडियो से। मिड जिला सरगोधा में हमें सुनते हैं राणा उमेर जमट, राणा उजैर जमट और राणा जिले किफल जमट, और उनका साथ दे रहे हैं जनाब राणा हफीज। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आपने हमें बताना है कि आप दोस्त क्या देखकर बनाते हैं। इसके ऊपर अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। हम भी थोड़ी सी छोटे से बल्ब से, जीरो वाला जो बल्ब होता है, उससे रोशनी डालेंगे इस टॉपिक के ऊपर। आज तो वैसे हद नहीं हो गई यार। चल भाई हो जा शुरू। उमेर साहब ने हमें जनाब सैलेड दे दिया है। कहते हैं कि सर जी खाना छोड़ें, आज कर सलाद पे गुजारा करें।
तो जी साहब, हमें फरमाइशें आना शुरू हो चुकी हैं गानों की। राना उमैर जमट साहब हमें कहते हैं कि गाना सुना दे पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। वैसे यार हद है, जान क्यों दिता सी तूनू, तेनू जो पता सी कि तेरी नहीं निभदी उदे बगैर। चल भाई हो जा शुरू। फिर एवं निर्वार किते नहीं बैठिया, लादा कराई है सारयां दी। भाई हमें जो पता है कि एक बंदे के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, एक बंदा हमारे लिए ऑक्सीजन है। दोस्त जो होते हैं ना, वो दोस्त बड़ा प्यारा और कीमती रिश्ता होता है। जैसे ये तीनों दोस्त बैठे हैं ना, राना ज़ुल्केफ़र, राना उमैर और राना अब्दुल हफीज, इसी तरह के एक तीन दोस्त बैठे थे और उनको जो है एक जिन मिल गया। तीनों दोस्तों ने कहा कि जनाब जिन को हाजिर किया, जिन आ गया, जिन से कहा कि आप हमारी मंशा पूरी कर दो। एक और बड़ी खास बात वो ये थी कि वो जो तीनों दोस्त थे वो उनके रंग बड़े काले थे, मतलब वो अंधेरे में नजर नहीं आते थे। थोड़ी सी मतलब आप कह लें कि उनका जो है वेस्ट इंडीज के साथ वास्ता था। हमारे खुशाब में भी कुछ लोग वेस्ट इंडीज के लोग जो है वो रहते हैं, जिनकी रिश्तेदारियां साउथ अफ्रीका में है, वेस्ट इंडीज में है, और खुशाब में भी कुछ लोग हैं। वही कबीला है, अब उस कबीले को पता नहीं काई कबीला कहते हैं या क्या कहते हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि पता है ना आपको, वो लोग गुस्से में आ गए तो फिर साड़ी खैर नहीं। मतलब तीन दोस्त थे जनाब, बड़े काले थे, इतने काले के अखीर काले, उन अखीर काले दोस्तों को जो है एक अलादीन के चिराग मिला, उन्होंने रगड़ा और जिन आ गया। जिन ने कहा कि आका बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या है आपकी ख्वाहिश जो मेरे जिम्मे है वो मैं पूरी करूँ। पहले दोस्त ने कहा कि जिन मुझे आप ऐसा करो कि गोरा कर दो, मुझे लोग ताने मारते हैं, मैं काला हूँ और मैं तो अखीर काला, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, आप ऐसा करें कि मुझे गोरा कर दो। जिन ने कहा कि जनाब कोई मसला नहीं है, सरकार है, वेखो जनाब एक सिर्फ एक मिनट मैंने दो। वो फौरन गया सरगोधा से और वहां से जो है वो 7 गोल्ड क्रीम लाया, उसने उसके चेहरे पे लगाई और वो गोरा हो गया। दूसरे से फरमाइश पूछी, उसने भी कहा कि जनाब मुझे भी गोरा कर दे। दूसरा बंदा जो था वो भी गोरा हो गया। अब तीसरा बेटी जो था ना, वो था कोई राना उमैर की तरह। अब जब उसने देखा कि बाकी मेरे दोनों दोस्त जो है वो गोरे हो चुके हैं, उसने कहा जिनसे कि आप मेरा हुक्म मानो। उसने कहा कि जनाब फरमाएं आपको भी गोरा करना है। कहंदा नहीं जनाब। जिन परेशान हो गया कि जनाब ये क्या कहता है, दो दोस्त जो थे काले वो कहते हैं मुझे गोरा कर दो, ये भी उन्हीं की तरह का काला शाह काला है, कहते ना काला वो काला शाह था। कहता कि नहीं मुझे गोरा नहीं करना, एना दुआनों में काला कर दो। लो जनाब हुक्म था जनाब उसका, और क्या हुआ कि जिन ने उन दोनों को काला कर दिया। मतलब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जनाब जो अक्सर जेलसी फील करते हैं, जलते रहते हैं। खुदा ऐसे दोस्तों से बचाए, और मेरी दुआ है कि आपकी जिंदगी में ऐसे दोस्त आए जो आपके लिए हर वक्त दुआ को। मुझे पता बताया जा रहा है कि इस वक्त टाइम हो चुका है पूरे के पूरे 4 बज चुके हैं, और 4 बज चुके हैं तो मुझे अब जाना पड़ेगा टाइम चेक की तरफ। तो चलते हैं जी ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। It's 4 p.m. This time check is brought to you by Asif Homeopathic Clinic, Sargoda. सारा पाकिस्तान सुन रहा है, प्रदेश में बैठे लोग जो है वो देश के मजे ले रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है, दोस्ती के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं और आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप दोस्त क्या देखकर बनाते हैं। कुछ लोग बड़े खास होते हैं जनाब, खूबी उनमें भला कुछ भी ना हो, लेकिन उनकी चेहरे की रंगत को देखकर लोग उनसे हर कोई दोस्ती करना चाहता है। यहाँ पर आजकल लोग सीरत नहीं बल्कि सूरत को देखकर दोस्तियां बनाते हैं।
नवियां लाइयां ते रोले पै गए। आपने लव मीटर फ्रेंडशिप मीटर नहीं ना चेक किया, अगर वो किया होता तो ये मसला ना बनता। अभी भी वक्त है आपके लिए, अभी भी मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे लिखिए AWM स्पेस दीजिए और अपने उस दोस्त का नाम लिखकर भेज दीजिए 8881 पे। फिर भावे ढोला होए या रोला होए, साढ़े ते छोड़ दो, कोई मसला नहीं है जनाब, सब कुछ देख लेंगे। बदल गई सादी तकदीर, प्यार की तासीर रांझे हीरे, बदल गई सादी तकदीर, प्यार की तासीर रांझे हीरे, प्यार की तासीर रांझे हीरे। कदू कैदो चुगलियां लाइया ताने तने होए नी, इन्ना मरवा सच नहीं जड़े बेली बने होए नी। कदू कैदो चुगलियां लाइया आ कमले बेदर्दानू, असा यार समझ दे रहे ओ कदम कदम ते डंग दे रहे, असा प्यार समझ दे रहे नहीं। घर विच अपने ना जिना दा सरदार समझ दे रहे, असा राशिद मुखलस दुश्मना तू वफादार समझ दे रहे। कदू कैदो चुगलियां लाइया Yeah।
Radio station in the world. In the world is right here. On FM 94 Khushal. जनाब आप सुन रहे हैं अवाम एफएम 94 खुशाब और मुझे कहते हैं आरजे जहीर, आपको क्या कहते हैं ये जानकर हमें खुशी होगी। आपको क्या कहते हैं, कहां पे आप हमें सुन रहे हैं, किस हाल में हमें सुन रहे हैं। तन्हाई में हैं या किसी की जुदाई में। एफएम 94 के लाइव स्टूडियो से आरजे जहीर का अदा भरा, प्यार भरा, खलूस भरा सलाम कबूल कीजिए। अब लोगों के पैगामात की तरफ जाएंगे, खत पत्र की तरफ जाएंगे, एसएमएस की तरफ जाएंगे। जो लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं 8881 पे, अगर आप भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आज का जो टॉपिक है कि दोस्त क्या देखकर बनाया जाता है, आपकी दोस्ती का पैमाना क्या है, इसी के ऊपर बात करनी है तो 8881 पे एसएमएस करना होगा। बहुत आसान है जनाब, KBR लिखे, स्पेस दीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, और आज के जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग टाइप करके भेज दीजिए 8881 पे। हो जाए शुरू। सिद्रा हमें सुनती हैं सरगोधा से, वो कह रही हैं कि आपका शो अच्छा है, तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। वकास भाई का पूछती हैं, तो वकास भाई गए हुए हैं लंबे टूर पे। जारा हमें सुनती हैं खुशाब से, कह रही हैं कि भाई कैसे हैं आप। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, और आप बताइए आपका क्या हाल है। जितनी महंगाई है वैसे इस महंगाई में किसी से हाल पूछने की जरूरत तो नहीं, हो जाए शुरू, लेकिन अखलाकन हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए क्या हाल है आपके। आगे हमारे साथ कौन है जनाब, नईम और फहीम। नईम फहीम एक ही नाम है जनाब, नईम फहीम ब्रदर। अगर आपने अभी अभी हमें ट्यून किया है 94 खुशाब को, तो नहीं भाई फहीम भाई 7 गोल्ड से हमें सुनते हैं जनाब। मेरी तरफ से आपको एक रंग गोरा करने वाली हो जाए शुरू जादुई 7 गोल्ड करीम जनाब। वैसे आप भी इतने प्यारे खूबसूरत हैं, क्रीम की आपको जरूरत तो नहीं है, आपने आगे किसी में लोगों में बांटना है, ऐसे शख्स को देना है, ऐसी शख्स को वो क्रीम देनी है जिसके ऊपर कोई क्रीम जो है वो असर ना करती है। आपने क्या करना है कि उनको उनका जो है मुंह गर्म पानी के साथ एक दफा धुलवाना है, और एक लेप सा 7 गोल्ड क्रीम का उनको कहेंगे लगा के रात को सो जाए। यकीनन जब आप सुबह उठेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे खुद को। उसकी वजह पता क्या है, सारा क्रीम का कमाल है जनाब। हाय लकी हाय, हाय लकी हाय,
मेहमानों की फरमाइश हमें कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं 88.81 पे। चल भाई हो जाए शुरू।
बिल्कुल जनाब, हम आपके साथ हैं और आपने हमारे साथ रहना, ट्यून रखना है 94 को शाम को। चंद लम्हों का साथ है, बाकी साथियों साथ निभाइएगा, साथ दीजिएगा और SMS कीजिएगा, क्योंकि आपके SMS खाली SMS नहीं है, मेरे लिए ऑक्सीजन है वो। आपने ऑक्सीजन बिल्कुल कम नहीं होने देनी। बलवाल सरगोदा मिया वाली झेलम चकवाल मणिबाउद्दीन बकर जंग, हम हैं आपके संग संग। टॉपिक आज का ये है कि आप दोस्त क्या देखकर बनाते हैं, दोस्ती के ऊपर हो रही है बातचीत। आप लोगों के SMS को भी शामिल करेंगे। लेकिन रात को मैंने खबर सुनी और देखी, बड़ी हैरानगी हुई है जनाब। सियालकोट का एक बंदा है जो के दुबई में रहता है, हो जाए शुरू। उसने अपनी बेगम को कॉल की और कहा कि मजाकन कहा कि मैंने दूसरी शादी कर ली। अब वो जो धी रानी थी, आजकल आपको पता है ना टिकटॉक का जमाना है भाई, उसने अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया और कहा कि 10 मिनट के अंदर अगर आपने मुझसे बात ना की और हकीकत ना बताई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। सो सैड। तो क्या हुआ कि वो 10 मिनट से लेट हो गया कॉल करने में, हो जाए शुरू। और उस धी रानी ने क्या किया कि सो सैड कर लिया, मतलब खुदकुशी कर ली कि मेरे मियां जो के परदेश में हैं, दुबई में हैं, मैच देख रहे होंगे। वो कहती है कि उन्होंने कॉल की है और वो कहते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, हालांकि दूसरी शादी हुई नहीं थी। अब दुनिया बड़ी तब्दील और तेज हो चुकी है यार, और जो शोर है, जो शोर तबका खावन जो होता है, वो महंगाई के साथ साथ मजीद मजलूम और पिस्ता जा रहा है। कुछ तो महंगाई ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। यकीन माने पाकिस्तानी लोग जो मर्द है, दुनिया के खूबसूरत तरीन लोगों में दूसरे नंबर पर आते हैं। ये भी आलमी जो टीमें हैं वो कहती हैं दूसरे नंबर पे। अगर मैं अपनी खूबसूरती देखूं तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी लोग जो है, पाकिस्तानी लड़के जो है, वो दुनिया में पहले नंबर पे खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे उन बेचारों से काम क्या लिया जाता है, आपको तो पता है ना। सुबह सुबह उठते हैं जनाब, कहाँ जा रहे हैं, दही लेने। दफ्तर से लौटते हैं तो बच्चों के पैंपर, क्या बताएं हम, मर्दों पे क्या बीत रही है आजकल। जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं ना, आपको क्या पता जोड़ों का दर्द क्या होता है। और जोड़े जो है ना वो सिर्फ एक ही हाल में खुश होते हैं, और वो हाल जो है ना वो शादी हाल होता है। आजकल मैं एक आपको एक खूबसूरत सा गीत सुनाने जा रहा हूँ, वो जरा सुनिएगा, उसके बाद फिर आते हैं तो बाकी बातें हम करते हैं बाद में। सारा चिट्टे रंग दा कमाल है, मैं नहीं मिलता। आजकल जो है वो चिट्टा रंग करना, गोरा रंग करना कोई मुश्किल नहीं है। एक तो जो है 7 गोल्ड इतनी खूबसूरत क्रीम है, दिनों में घंटों में असर करती है जनाब। ऐसे लोग जो अपने रंगत की वजह से परेशान है, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां, बिल्कुल दोनों पे असर करेगी जनाब 7 गोल्ड क्रीम, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। हो जाए शुरू। जिनको और ज्यादा जल्दी है गोरे होने की, आजकल जो है आपको पता है कि इंजेक्शन भी आ गए, टीके लग देने जनाब, टीके लगवाएं, टीके मतलब
इंजेक्शन लगते हैं जनाब रंग गोरा करने वाले। क्या दुनिया आ चुकी है, क्या जिद्दत आ गई है यार। चूना लगाया जा रहा है, हर तरफ चूना लगाया जा रहा है पाकिस्तानी कौम को। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो पान वाला होता है ना, पान वाला हो जाए शुरू, उसकी आप लोग कदर किया करें। पता क्यों? क्योंकि पान वाला पैसा पहला पाकिस्तानी होता है और आखिरी शायद पाकिस्तानी है जो आप लोगों से पूछ के चूना लगाता है कि भाई चूना कितना लगाना है बता दो। ऐसा ही है ना, सारा पाकिस्तान सुन रहा है और मुझे बता रहे हैं कि जनाब मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, सिर्फ 5 मिनट का साथ है साथियों, साथ निभाइएगा। कायदाबाद में मुझे सुन रहे हैं जनाब फिदा जानी और मोहम्मद आसिफ, उनको भी मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से सलाम। एक खूबसूरत गीत, और स्पेशली ये जो गीत मैंने प्ले किया था चिट्टे रंग दा कमाल है, ये कायदाबाद और मियां वाली वालों के नाम। हर इलाके की अपनी अपनी नोयत होती है, लोगों के मिजाज, ख्याल। आजकल लोग जो है वो दोस्तियां बड़ी बनाएंगे सरगोधा वालों के साथ, पता क्यों? किन्नू तैयार है। बिल्कुल आजकल दोस्तियां हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि मेरे जिला सरगोधा में किसी के साथ कोई दोस्ती हो जाए। शायद 2-4 गट्टू किन्नू दे सानू। पाकिस्तान में किन्नू जो है वो खुश सरगोधा का बहुत मीठा होता है, दुनिया में उसकी मांग है, बहुत मीठा होता है। लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के जिला सरगोधा का किन्नू मीठा होता है लेकिन लोग खट्टे हैं। मैंने देखे हैं यार, आजमाए हुए लोग हैं सरगोधा के लोग जो है खट्टे होते हैं। जितना किन्नू मीठा है ना उतने ही लोग खट्टे हैं। मुझे किसी दोस्त ने कहा कि आप ऐसी क्यों बातें करते हैं, हो जाए शुरू, आपका भी तल्लुक जो है वो, आपका भी तो तल्लुक जनाब जिला सरगोधा की तहसील साहिवाल से है। तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, मैं भी थोड़ा थोड़ा खट्टा हूँ, तुरश हूँ जनाब। जिस तरह लोग मीठे होते हैं ना, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मुझे, मैं वाकई तुरश हूँ, मीठा नहीं हूँ। क्योंकि मीठे लोग अक्सर मुनाफिक होते हैं। मीठा अमरूद भी हो तो उसको कीड़ा लग जाता है। क्या कहते हैं आप? अपनी राय का इजहार कीजिएगा 8881 पे, SMS कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा साथ आपको कैसा लग रहा है। सोमवार और मंगल FM 94 के लाइव स्टूडियो से म्यूजिक धमाल के साथ होते हैं हम आपके लिए हाजिर। बड़े दिनों के बाद आज कुछ तबीयत संभली है, आज आप लोगों के साथ गपशप करके, बातचीत करके बड़ा मजा आ रहा है। टॉपिक आज का ये था कि आपकी दोस्ती का पैमाना क्या है, दोस्तियां करते हैं क्या, देखते हैं क्या? हमारा ये पड़ोसी जिला है मियां वाली, वहां पे लोग जो है दोस्त पता क्या देखकर बनाते हैं। अरे नहीं यार, एमए एमए बदनामियां ना लाइया करो। बटेरा, ऐसे लोग जो है जिनके पास बटेरे होते हैं ना, उनके साथ ज्यादा लोग दोस्तियां करते हैं। चलो भाई हो जाए शुरू। कुछ लोग जो होते हैं वो शान और शौकत को देखते हैं, भले रंग जितना भी जैसा भी हो। आगे हैं वापस, हम आ गए हैं वापस। रंग गुस्से का अलग अलग है प्यार का रंग, हो जाए शुरू। रंग गुस्से का अलग अलग है प्यार का रंग, कोई आके तो देखे मेरे यार का रंग। मतलब डब्बा तितरा है जनाब,
डब्बा है, गुस्से का अलग रंग है और प्यार का अलग है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, कुछ तो बिल्कुल भी वैसे होते हैं, कुछ लोग बड़े अजीब होते हैं जिनका किसी इसके साथ कोई लेना देना ना भी हो, मतलब वो जा रहे हैं गली में से गुजर रहे हैं और वहां पे लंटर डाल रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम हो रहा है, वो खड़े हो जाएंगे, थोड़ी देर देखेंगे उसको और कहेंगे बजरी थोड़ जानी, अरे भाई तुझे क्या इससे लेना देना। ऐसे खाम खाम में आप कमेंट्स पास कर देते हैं, यार 5 बज चुके हैं, मुझे टाइम चेक की तरफ जाना पड़ रहा है, आता हूँ लौट के। बेलियों ते मित्रों, साढ़े जान दा वेला हो गया है। FM 94 के लाइव स्टूडियो से मैं था राणा जहीर, मतलब आरजे जहीर। सोमवार और मंगल होते हैं जनाब हम अजान मगरब तक, 3:30 से लेकर अजान मगरब तक। प्रोग्राम की तारीफ और तनकीद करने का आपको पास पूरा हक है जनाब। 88 SMS दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आपको हमारा साथ अच्छा लगा या बुरा। मोहम्मद आसिफ हमें सुनते हैं जनाब कैदाबाद से और कह रहे हैं कि जनाब कहते हैं कि जनाब आजजी देखनी चाहिए दोस्ती में। मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तानी कौम वो कौम है जो सोशल मीडिया पे इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है, अगर बाकी दुनिया भी इनको फॉलो करे और वो देखे इनका स्टेटस चेक करे ना, तो मैं कह वो समझे कि दुनिया में इन जैसा अच्छा आदमी कोई नहीं है। और पाकिस्तान में वैसे तो 55% आबादी जो है वो औरतों की है, खवातीन की है, लेकिन अगर फेसबुक से डाटा लिया जाए तो मेरे ख्याल में सिर्फ 10% होंगे जो होंगे मेल। निवाज, सरफराज, शिबाज, फैसल, काशफ सारे बन गए हैं जनाब कोई ना कोई, कोई एनी, कोई इरम, कलसूम, सुल्ताना। यकीन माने मैं उस दिन बड़ा हैरान हुआ जब मुझे फेसबुक फ्रेंड का मुझे जो है रिक्वेस्ट आई जनाब फेसबुक पे हलीमा सुल्तान की। मैं क्या ये भी काई कबीले दी साजिश है मेरे नाल, मैं एक्सेप्ट ते कीती ते थले दो हाथ जोड़े, ओ मैं आखा जी मैं इंशाल्लाह करमा लिए, मैं कोई अर्तगुल नहीं हां, माड़े बंदे हां, साडा ख्याल करी, किसी वक्त ना पा छड़ी सानू। सुमैया में सुनती है जनाब सरगोधा से, कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आपका शो सुन रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, और कहती है कि भाई ये जो आप सरगोधा वालों के बारे में बोल रहे हैं कि सरगोधा वाले 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सरगोधा वाले बहुत अच्छे होते हैं, अरे कुछ अच्छे होते हैं, आपकी नजर एक शेर, वो तो आईने को भी हैरत में डाल देता है, खुदा किसी किसी को कमाल देता है, वो तो आईने को भी हैरत में डाल देता है, खुदा किसी किसी को ये कमाल देता है। और शायर कहता है सरगोधा वालों के लिए कि जनाब आरज से तेरे सूरज को निकाल दो, तू बेमिसाल है तेरी कैसे मिसाल दो। और साथ ही कहता है शायर के सोचते हैं तुझे वजू करके यूं तेरा एहतराम करते हैं, लफ्ज जब तक वजू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते, जाने कौन सी दौलत छुपा रखी है तूने लहजे में, बोलते हो तो खरीद लेते हो। जो मैंने बात की कि सरगोधा के लोग खट्टे होते हैं, किन्नू मीठे होते हैं और लोग खट्टे होते हैं, सीरियस ना लीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि आजकल मजाक की भी हद होती है और मर्दों को तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं है मजाक की। दुबई में बैठे एक शोर ने बेचारे ने बीवी को एक खत को एक पैगाम भेजा कि मैंने दूसरी शादी कर ली, उसने खुदकुशी कर ली। सियालकोट पर्चा थी गया उदते, ससुरालिया ने किया कि जनाब वो
तवज्जो ते शोर ही बने है ना। चल भाई हो जा शुरू। ये तो हालात है हम बेचारे मर्दों के। इसके बावजूद जहाँ भी बात होती है ख्वातीन के राइट्स की बात होती है, हमारा डीपीओ ऑफिस खुशाब जो है वहाँ पे वुमन वायलेंस सेल बन चुका है। ख्वातीन के हकूक के लिए हरासमेंट के हवाले से भी बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। मेरा भी किधरे हाथ खुला होता है, देख मैं भी कोई मर्दा वास्ते एक इदारा बनाने लगा। ऐसे बुढ़े जेड़े बेचारे अपनी बीवियां दे थले लगे हुए परेशान ने के बंदा जाए ते जाए किथे, किनू दसीए के साडे की हाल है। उनके लिए एक इदारा बनाएंगे जनाब बहुत जल्दी, कल तक मेरा इंतजार कीजिएगा। कल होगी आप लोगों के साथ ठीक 3:30 बजे इसी चैनल पे, इसी स्टूडियो में होगी आप लोगों से बातचीत गपशप। मेरे मुंह से निकली कोई ऐसी बात जो आपके दिल पे लगी हो आपने बिल्कुल दिल पे नहीं लेनी, राणा जहीर और उसकी एफएम 94 टीम को दीजिए इजाजत। कल तक के लिए अल्लाह ने के बाद।